नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नशे में झगड़ रहा था भांजा, समझाने गए मामा का कान, दांतों से काट कर किया अलग। बच्चों को डूबने से बचाने में युवक की मौत। अमरावती जिले में टीकाकरण 9 लाख के पार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में संपत्ति विवाद में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई है। नशे में धुत एक भांजे ने अपने मामा के ऊपर हमला कर दिया और उसका कान काट दिया। लहूलुहान हालत में मामा को अस्पताल ले जाना पड़ा। दरअसल ये पूरा मामला पूर्वी बर्दवान के गुस्करा इलाके के वार्ड नंबर 8 का है, जहां संपत्ति विवाद में भांजे ने दांत से अपना मामा का कान काट कर शरीर से अलग कर दिया। इस घटना के बाद पीड़ित मामा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। बता दें कि 38 वर्षीय राजा माजी पेशे से नगर निगम का कर्मचारी है। राजा ने आरोप लगाया कि शनिवार रात वह घर के पास एक क्लब में दोस्तों के साथ ताश खेल रहा था। वही 26 वर्षीय उसका भांजा घर वापस लौटा। रात को शराब के नशे में घर लौटने के बाद बुलान सरकार जायदाद को लेकर अपनी माँ और बहन से झगड़ा करने लगा। मामला बिगड़ते देख राजा ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्से में बुलान ने अपने मामा राजा पर भी हमला कर दिया। दूसरी खबर, कोरपना तहसील के गढ़चांदूर के समीप स्थित अमलनारा डैम के वेस्ट वेयर में डूबने से विनायक उर्फ गोलू चट्टे की मौत हो गई। वह चंद्रपुर शहर के विट्टर मंदिर वार्ड का निवासी है। रविवार होने के कारण वेस्ट वेयर ओवरफ्लो होने से वह रविवार को काफी भीड़ थी। इस दौरान शाम 4 बजे के करीब वहां पहुंचे चंद्रपुर के एक परिवार के 2 बच्चों के पानी में बहने की बात कहकर लोग चिल्लाने लगे। यह सुन लोगों के साथ विनायक भी उन्हें बचाने के लिए वहां गया। इस दौरान बच्चों को लोगों ने बचा लिया, लेकिन विनायक गहरे पानी में चला गया और डूब गया, उसे बचाया नहीं जा सका। तीसरी खबर, अमरावती जिले में 7 अगस्त तक 9,07,304 कोरोना के टीके लग गए हैं। इनमें से 6,97,578 को पहला और 2,09,725 को दूसरा टीका लगा है। 3,08,737 स्वास्थ्य वर्करों को, 6,03,179 फ्रंट लाइन वर्करों को, 18 से 44 आयु वर्ग वाले 2,18,189 लोगों को, 45 से 59 आयु वाले 3,07,057 लोगों को और 60 वर्ष से अधिक आयु के 2,86,442 लोगों को टीके लगने की जानकारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिलीप रनमले ने दी है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।